जय श्री श्याम मित्रों, स्वागत है एस्ट्रो आश्रम में। बात करने वाले हैं नए विषय को लेकर, और आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय को लेकर जो धन से संबंधित है। जब हम बात करते हैं धन की तो सोर्स ऑफ इनकम जुड़ जाती हैं। जब हम बात करते हैं अपने जीवन में लग्जरियस की या धन की, तो माता लक्ष्मी से सीधा संबंध इसका रहता है। आज मैं इस वीडियो में ये बात करने वाला हूं कि अपने जीवन में साधारण तरीके से धन आता रहे, यानी कि उसकी गति बनी रहे, गति से आता रहे, और हमारे जीवन में जितनी चीजें चाहिए धन से संबंधित या लग्जरियस से संबंधित, वो हमारे जीवन में आसानी से मिलती रहे। आप हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो अवश्य करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। उस पर क्लिक करेंगे तो आपको वीडियो समय से मिलती रहेंगी। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं धन से संबंधित, और धन की देवी माता लक्ष्मी को बताया गया है और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। शास्त्रों के अनुसार यदि बात करें तो शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी के लिए निर्धारित किया गया है। या धन से संबंधित किसी भी चीज की जब हम बात करते हैं तो शुक्रदेव या माता लक्ष्मी की हम बात करते हैं। यहां पर हम बात करने वाले हैं आप ऐसी चीज की कि यदि बहुत छोटी छोटी सी चीजें अपने जीवन में आप ऐड कर लेंगे या जोड़ लेंगे तो माता महालक्ष्मी से संबंधित आपको कृपा मिलती रहेगी और आपके जीवन में धन संबंधी समस्याएं नहीं होंगी। जैसे आज मैं बात करने वाला हूं चार ऐसे पौधों की, यदि अगर इन पौधों की कृपा अगर आपको मिल जाए या आप इनकी सेवा में लग जाएं तो आपके जीवन में, आपके परिवार में धन संबंधी समस्याएं नहीं होंगी। या हम बात करें कि धन की आवक जो हमारी है उसकी स्पीड बनी रहेगी, या हम बात करें कि लग्जूरियस या हमारे जीवन में चलने वाली आधुनिक चीजों से संबंधित जो चीजें हैं वो हमें मिलती रहेंगी। सबसे पहले बात करेंगे हम आंवले के पौधे की। जब भी हम आंवले का पौधा हम देखते हैं या सुनते हैं तो उसको माना गया है भगवान विष्णु के लिए। आप इसको ये ध्यान रखिएगा कि यदि शुक्रवार के दिन आप आंवले के नीचे बैठकर श्री सूक्त का पाठ या कनक धारा स्त्रोत का पाठ करते हैं तो बहुत अद्भुत लाभ देखने को मिले हैं। या अगर बड़ा पौधा नहीं है, आपने छोटा पौधा लगाया हुआ है, तो वहां बैठकर भी यदि आप करते हैं तो भी आपको लाभ मिलने वाला है। और आंवले के पौधे की जब हम बात करते हैं तो ऐसा माना गया है कि माता महालक्ष्मी का वास होता है आंवले के पौधे की जड़ में। और जब भी शुक्रवार के दिन आंवले के पौधे की पूजा की जाती है तो इससे माता महालक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं, और आपके जीवन में धन संबंधी समस्याएं यदि चल रही हैं या लग्जूरियस से संबंधित या आधुनिकता से संबंधित जो चीजें आप चाहते हैं अपने जीवन में और उनका भोग नहीं कर पा रहे हैं, वो धन की वजह से नहीं कर पा रहे हैं, तो धन और वो चीजें आपके जीवन में, आपके परिवार में आसानी से आने लगती हैं। दूसरे पौधे की बात करेंगे, वो पौधा है केले का पौधा। जनरली ये भी आपने सुना होगा कि केले के पौधे की पूजा होती है और भगवान विष्णु को रिप्रेजेंट करता है केले का पौधा। लेकिन आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि शुक्रवार के दिन यदि हम पूजा करें केले के पौधे की और माता महालक्ष्मी को केले का प्रसाद चढ़ाएं या केले का भोग लगाएं, अद्भुत लाभ मिलते हैं। केले की जड़ में हमें जल अवश्य चढ़ाना चाहिए, खासतौर पर शुक्रवार के दिन, और वहां पर हल्दी से तिलक करना चाहिए, केसर से तिलक करना चाहिए। यदि आप हल्दी और केसर से तिलक करते हैं केले के पौधे का और जल अर्पित करते हैं शुक्रवार के दिन माता महालक्ष्मी का ध्यान करकर, तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों प्रसन्न होते हैं, और इससे भी आपके जीवन में धन और लग्जरी से संबंधित अगर समस्याएं चल रही हैं या आपके परिवार में ऐसी समस्याएं हैं तो उनसे आपको छुटकारा मिलने लगता है। अगली बात करते हैं, और वो पौधा बड़ी आसानी से हर घर में पाया जाता है, और वो है तुलसी का पौधा। तुलसी के पौधे की जब भी हम बात करते हैं तो ये एक नेगेटिविटी को दूर करने के लिए भी जाना जाता है, परिवार में एक लाभ देने की स्थिति के लिए भी जाना जाता है, और हर घर में इसकी पूजा नित्य रूप से होती भी है। लेकिन यदि शुक्रवार के दिन अलग से आप चाहती हैं कि मैं कोई ऐसा उपाय करूं कि आपके जीवन में धन संबंधी समस्या दूर होने लगे, तो एक देसी घी का दीपक और कुछ भी मिठाई, वो मिश्री हो सकती है, वो कोई मिष्ठान हो सकता है, उसका भोग और जल चढ़ाकर 11 परिक्रमा अगर तुलसी माता की आप करते हैं, प्रतिदिन की नहीं बात कर रहा हूं, केवल शुक्रवार की बात कर रहा हूं, प्रतिदिन जल देते हैं उसकी बात हम यहां नहीं कर रहे हैं, केवल शुक्रवार की बात कर रहे हैं, शुक्रवार में घी का दीपक, कोई भी भोग मीठा अगर हम माता महालक्ष्मी को लगाते हैं और 11 परिक्रमा अपनी मनोकामना के साथ यदि बोलते हैं तो माता महालक्ष्मी की असीम अनुकंपा आप लोगों पर रहती है और जीवन में धन लग्जरी से संबंधित समस्याएं समाप्त होने लगती हैं। एक और बात करेंगे, अंतिम पौधे जो चार पौधों की मैं बात कर रहा था उसमें चौथा जो पौधा है वो अद्भुत पौधा है। इसको कहते हैं लक्ष्मणा का पौधा। लक्ष्मणा का पौधा यदि आप ढूंढेंगे तो बड़ी आसानी से आपको मिल जाएगा, किसी भी नर्सरी से आप इसको ला सकते हैं, ये प्राय घर में नहीं मिलता है।
ये जिनको जानकारी है उन्हीं लोगों के घर में आपको मिलेगा। यदि आप लक्ष्मणा का पौधा अपने घर में लेके आ जाएं और उसकी पूजा करना शुरू करें, पूजा से मतलब ये होता है कि प्रतिदिन तो आप उसमें जल दें, लेकिन शुक्रवार के दिन धूप दीप उसको अवश्य दिखाएं। बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, माता लक्ष्मी का आह्वान करिए और धूप दीप इस लक्ष्मणा पौधे को आप दिखाइए और अपनी मनोकामना बोलिए कि माता मां लक्ष्मी हमारे घर में आप निवास करिए स्थायी रूप से और हमारे जीवन में धन संबंधी समस्याओं को दूर करिए। आप देखिए कि आपको लाभ मिलने लगेगा। ये चार प्रकार के पौधे जो मैंने बताए हैं, यदि आप इनकी पूजा करते हैं, ये आपके घर में उपस्थित हैं, तो आप समझ लीजिए कि आपके जीवन में आने वाली समस्याएं समाप्त होने लगेंगी। धन से संबंधित, खास तौर पे नौकरी व्यापार से संबंधित और लग्जरियस से संबंधित जितनी चीजें आपको चाहिए, ये चारों पौधे बड़ी आसानी से आपके जीवन में भरने लगेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो आगे शेयर अवश्य करें, सब्सक्राइब और बेल आइकन पर आप अगर क्लिक करेंगे तो निश्चित रूप से आगे की वीडियो आपको समय से मिलती रहेंगी। राधे राधे।